मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जंगे आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा। गुरु, दफा 131 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया है। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। सबके बारे में सोचता है तो अपने आदर्श, अपना वतन, अपनी लड़ाई, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता। जब भी वतन के बारे में सोचता था तो ही तो नजर आती थी, मुझे ही तो देखता था, तो ही मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति है। चला चाहिए तो सिंह तो गया है। दो मिनट जिले साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। आज आप लोगों को देखो मिलेगा तो कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को करेगा ना। तुझे मौत है तो नहीं रख कर की
तुम्हारी संतानों पर हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें छुपना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहान में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। माँ से है माँ की, माँ से है माँ का, माँ के माँ की सजा के चलो।